चार बने दूसरे सेमीफाइनल की यह शुरुआत होती हुई जहां पर लेक्सी बॉयज कर रहे हैं क्षेत्र रक्षण। दूसरी गेंद पर भी हुआ प्रहार, गेंद हुई मैदान के बाहर। ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड मेडिकेयर वर्ल्ड सिक्सर। किया कार की, किया की, अब मुझे ठीक से बोलने दीजिए, किया कार की चाबी मिली है। कमेंट्री बॉक्स के यहां पर आ जाए, चाबी ले जाए, गाड़ी दे जाए। दस दस रन बिना किसी नुकसान के। सनराइजर पूरी टीम से रिक्वेस्ट है आप स्टेज पे आ जाइए। आदिनाथ सनराइजर्स पूरी टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज पे आ जाए आप। और इसी बीच हम हमारे कौन-कौन से मैच के बाकी है, मैन ऑफ द मैच कहां तक पड़ गए? बिल्कुल कमल भाई वहाँ पे बहुत सही काम कर रहे हैं आप। जो टीम का सफर आगे नहीं है उसका जो भी सम्मान है जो भी प्राइज है वो दे दिया जाए तो अच्छा है। और हम इस अयोध्या इसके मैन ऑफ द मैच हितेन, हितेन भाई जहाँ कहीं भी हो प्लीज मैन ऑफ द मैच लेने के लिए स्टेज पे आ जाए। संयम तीन गेंद पे लेकिन 12 रन यहां पर बन चुके हैं जोवियल जेंस के। मोनिस के लिए गेंद, पैरों पे आती गेंद, बिट्टू की गेंद, एक रन यहां पर भी मिलता हुआ। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके इस समय 13 पर, चार गेंद हुई है, 13 रन बन चुके हैं। दूसरा सेमीफाइनल शुरू हुआ है जहां पर बल्लेबाजी क्वार्टर फाइनल वन के मैन ऑफ द मैच हितेन फ्रॉम अरहम गुल्लू मैन ऑफ द मैच। तेरे को लगता है तेरा नहीं होता है, छोड़ दे मनीष भाई। चार गेंद पे 13 रन बने हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर के पैरों पर गिर गई गेंद, गेंद को खेल दिया, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आती हुई, एक रन मिला। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज छटपटा रहे थे, मनीष ने वहां पर मना किया और पांच गेंद। ये ओवर थ्रो का इशारा, पूरी टीम ओनर्स के साथ स्टेज पे आ जाओ प्लीज। बहुत अच्छा खेले आप, बहुत अच्छा खेले। ओवर थ्रो का इशारा और 15 हो चुका है स्कोर इस समय। पहली बार बिट्टू जैन का पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ, कहीं ना कहीं यहां पर लेक्सी वॉयज की तरफ से ये पहला ओवर। फाइनल टू लेक्सी वर्सेस बीआरवी, मैन ऑफ द मैच पंकज, पंकज माद्रेसा। अरे मैच चलो इनका, मैन ऑफ द मैच पंकज माद्रेसा, बिल्कुल सही। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, चार रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी माधुरी ज्वेलर्स शॉक का आता हुआ। क्वार्टर फाइनल तीन मेवाड़ वर्सेस आदिनाथ, मैन ऑफ द मैच अखिलेश। क्या बात है अखिलेश भाई ने आज बहुत अच्छा खेला। और आदिनाथ सनराइजर्स पूरी टीम भी स्टेज पे आ जाए प्लीज। आदिनाथ सनराइजर्स पूरी टीम स्टेज पे आ जाए ओनर्स के साथ। आदिनाथ सनराइजर, आदिनाथ सनराइजर पूरी टीम। और एक मैच नंबर 8 नाथद्वारा वर्सेस बीआरवी, मैन ऑफ द मैच धवल डालावत। अब आए हैं भावेश यहां पर गेंदबाजी करने के लिए, सामने मोनिश। शर्मा क्या है
आदिनाथ सनराइजर्स पूरी टीम प्लीज स्टेज पे आ जाए। आदिनाथ सनराइजर्स जाइए भाई स्टेज पे आप। आधी रात सनराइजर्स की पूरी टीम स्टेज पे पधारे। दूसरे ओवर की शुरुआत भावेश के द्वारा होने जा रही। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक फील्डर को तैनात किया गया है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है। मिड विकेट बिल्कुल वाइड है इस बार। देखे फील्डर थे वहां पे लंबे कद काटे के उछले गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए बच गई बांसुरी। लग गया चौका माधुरी माधुरी ज्वेलर्स चौका। डीजे थैंक यू डीजे। थोड़ी देर के बाद मैं बोलूंगा मुझे आदत हो गई है कि डीजे अब बंद हुआ। 23 हाँ क्या बात है। अब गाना अगर बजने का मतलब तो पुलिस हमें दीवाना बना देगी। कोई बात नहीं। आफ्टर 1.1 ओवर स्कोर इज 23 विदाउट लॉस। अच्छी गेंद शानदार गेंदबाजी अच्छी वापसी। हाँ वहां पर फिसल गए भावेश भाई। 24 1.2 ओवर के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के। जो भी एजेंस फील्ड में बड़ी तब्दीली होती हुई। अब डीजे इतना रात हो गया है बेटा तो डीजे नहीं बच सकता। डीजे अगर बजा तो मयूर के पंख काट लिए जाएंगे। कल से मयूर कैसे जंगल में फिर उड़ेगा। ये हमारे वाले मयूर हैं। इस बार देखिए गेंद को खेल दिया फील्डर मिड विकेट के भागते हुए लंबी दौड़ लगाते हुए गेंद को उठाया। क्या कुछ इस फील्डर को गेंद बहुत परेशान की है। अंत में यहां पर रन आउट हुआ। पहले गेंद पैरों के बीच से निकली फिर गेंद को उठाने के लिए गए तो पैर फिसल गया। एक बार गेंद आगे जा रही थी एक बार पैर आगे जा रहा था। वन रन शॉर्ट दूसरे रन पे आउट हुए ना तीसरे पे आउट हुए तो एक रन कंप्लीट हुआ। यस नहीं एक रन शॉर्ट है तीसरे पे आउट हो गए एक रन शॉर्ट है तो एक रन कंप्लीट होगा। जो फील्डर वहां पर फिसले थे उनका नाम बताइए। उन्हीं की टीम के फील्डर पूछ रहे हैं इनका क्या नाम है। शानदार कैच। अपना नाम तो बता दीजिए सर। अनिल रवि रवि क्या बात है। रवि ने अच्छा कैच लिया इस गेंद पे। रवि ने अच्छा कैच लिया पिछले गेंद पे कभी फिसल गए थे वहां पर। इस टीम में एक कभी दूसरे रवि रवि कितनी बॉल हुई है 2-2 को। आपका नाम रवि भाई और कुछ है क्या। हाँ क्वार्टर फाइनल सॉरी सेमीफाइनल 1 मैन ऑफ द मैच शुभम राका। शुभम राका शुभम और कोई है क्या। सब गेंदबाजों पे डाल दिया इन्होंने डाका शुभम राका। कोई नहीं कर सकता उनका बाल बाका शुभम राका। बेस्ट मैचेस के लिए बचा के रखा था। मोड़ दिया कलाई के सारे इस बार गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। एक रन मिला दूसरे रन की मांग। दूसरा रन भी यहां पर मिल जाएगा या नहीं। दो रन पूरा होता हुआ दो रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके समय 27 पे 1.5 ओवर का खेल हुआ है। आफ्टर 1.5 ओवर स्कोर इज 27 लॉस ऑफ 2 विकेट जोवियल जेंस 27 दूसरे ओवर की एक गेंद बची है अभी।
अभी भी देखिए जितने दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, अपने लिए तालियां बजाइए आप सभी लोग, क्योंकि अभी भी घड़ी की सुइयों पे नजर पड़े, पौने 12 बज गए हैं, लेकिन अभी भी आप लोग बैठे हैं। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को उठा दिया, आहा, रबड़ी टपक गई वहां पे। दो ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सबसे बड़ी बात, इस टीम ने अभी भी एक भी एक्स्ट्रा रन अभी तक नहीं दिया है इस 29 रनों में। प्लेयर्स प्लीज, खाना जिनका बचा हो खाना ले, काउंटर बंद हो रहा है, जिनका भी खाना बाकी, आदिनाथ वगैरह आपकी टीम्स का, अरम टीम्स का खाना बाकी, तो प्लीज खाना ले ले। तीसरे ओवर की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए, जिन प्लेयर्स ने खाना नहीं खाया है अब जाएं खाना खा लें, क्योंकि फूड काउंटर अब थोड़ी देर के बाद क्लोज कर दिया जाएगा। कमल भाई ने वो सूचना दिया है वहां पे। अंकित इस समय स्ट्राइकर एंड पे संयम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बहुत अच्छी गेंद करते हैं, नाम संयम, काम संयम। देखो गेंद, भावेश भाई के यहां से एक भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। हा शाबाश, जो नजदीक थे खिलाड़ी वो सबसे शानदार थ्रो लगाए वहां पे। 31-2, 10-1 ओवर के बाद बहुत कुछ यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में चर्चा हो रही है, हंसी का ठिकाना नहीं है लोगों के, उसके पीछे का क्या राज है क्या मैं बताऊं। वाइट का इशारा, अब तो संयम को भी नजर लग गई। एक चश्मा भी यहाँ पर मिला है, और ये चश्मा जिस किसी महानुभाव का है वो ले ले। हर्ष, ओके बाद में नंबर है आपके पास, इसका है यार। छह रन। हाँ, डॉक्टर विवेक जैन सिक्सर। अच्छा, चश्मा दिगी सोलंकी का है भाई, 39 स्कोर हुआ है। दीपक भाई को कौन सी ऐसी जानकारी है जो नहीं पता है, स्कोर 39। दूसरी गेंद दी जाए, पुरानी गेंद दी जाए भाई तुरंत, ऑलरेडी मैच बहुत डिले है। पुरानी गेंद दी जाए, पुरानी गेंद कहाँ पे रखी गई है कमल भाई? हाँ हाँ, नरेश भाई ने गेंद दिया अभी। थर्टी नाइन हुआ स्कोर, तीसरा ओवर अभी चल रहा है, रन तो बन रहे हैं, बहुत शानदार मुकाबला ये भी होगा मुझे लग रहा है ऐसा। एक शानदार कैच वहां पर रवि ने पकड़ा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लंबे कदकाठी के। आज सुबह से जब भी मैं इनको देख रहा हूँ ये लॉन्ग ऑफ पर ही फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बैटिंग इनकी नहीं देखा मैंने, बॉलिंग नहीं देखा, लेकिन फील्डिंग शानदार देखा। ये भी शॉट अच्छा है, दो रन मिलता हुआ, दो रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 41-41। 2.3 ओवर का खेल हुआ है, आफ्टर 2.3 ओवर स्कोर इज 41 एंड दिस विल बी 6, देन स्कोर मूव्स ऑन 47। आफ्टर 2.4 ओवर स्कोर इज 47, लॉस ऑफ 2 विकेट जोवियल जेंस। This is second semi-final between Alexi Voyage and Jovial Jens.
लेक्सी बॉयज वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट एंड दिस विल बी वाइड. चार गेंद पे 16 रन बना करके अंकित खेल रहे हैं, दो गेंद पे 4 रन बना करके दीप शाह खेल रहे हैं, तीसरा ओवर चल रहा है और 48 रन बन चुके हैं. एक बार फिर से साइड आउट खेलने की कोशिश, गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में निकली है, फील्डर उस ओर भागते हुए दो रन लेने से रोक नहीं पाएंगे. दो रन के साथ 50 पूरा हुआ जोवियल जेंट्स का. जब से दीपक भाई की एंट्री हुई है इस टीम में, तब से टीम में बहुत एनर्जी आ गई है. टू पॉइंट फाइव ओवर्स के बाद 50-50 पे दो जोवियल जेंट्स. तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के संयम तैयार है. संयम को भी नजर सच में लग गई. इस ओवर में 5 गेंद पे 21 रन दे दिया. जिस प्रकार से अखिलेश भाई इतना अच्छा खेले थे लेकिन सेमीफाइनल का मुकाबला उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, वैसे संयम के लिए भी कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता हुआ यहाँ पे. रनिंग विद विकेट शानदार. इस ओवर से 22 रन आए, 22 रन इस ओवर से. तीन ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन, 17 की औसत से रन बने हैं. आज तो खली को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अन्यथा बहुत मुश्किल में खली की टीम. आज जिस हिसाब से ये मुकाबला चल रहा है थोड़ा समय का ध्यान दें आप लोग, अन्यथा अच्छा हुआ कि ओवर थोड़ा सा कम हुआ, नहीं तो पहले सूर्य के प्रकाश में मैच हुआ, फिर कृत्रिम रोशनी में, उसके बाद फिर से मैच शुरू हो जाता सुबह के टाइम में. यस 52. है स्कोर. हमारे दोनों स्कोरर एक बार फिर से अपने स्कोर को टैली करा के बताते हुए यहाँ पे वाइड, वाइड के साथ रन संख्या यहाँ पे पहुंच चुकी है अब 53 पे. अच्छी गेंद हवा में ऊंचा, अच्छी फील्डिंग. एक विकेट का पतन, मैत्री ग्रुप विकेट नंबर 3 का पतन. वाइड. अनिकेत और हर्ष पूनमिया की जोड़ी इस समय मैदान में. रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 56 पे. अभी भी 5 गेंद आनी बाकी है. ये अच्छी गेंद, सिंगल यहां पर मिल जाएगा या डबल मिलेगा, दूसरे के लिए क्या चाहेंगे. 57 पे 3.2 ओवर के बाद जोवियल जेंट्स. हर्ष पूनमिया, अमित सिंघवी 7 गेंद पे
21 रन बना करके नानी स्ट्राइकर एंड पे, जबकि हर्ष पुनमिया सामना करने के लिए तैयार। राज बोगर की गेंद का बल्ला चला, गेंद बल्ले का बारी किनारे लेकर के विकेट कीपर के हाथों में चली गई। मैत्री ग्रुप विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ 57 के स्कोर पे। किशोर जी, मैच सूर्य के प्रकाश में शुरू हुआ था और चंद्र के प्रकाश में पहुंचा है, क्या सूर्य के प्रकाश में फिर जाने वाला है? अट्ठावन रन बने हैं और दो गेंद अभी भी बची हुई है। उधर दो गेंद बची है, इधर हमारे साथ एक छोटी प्यारी सी बच्ची है। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, 5 गेंद पे मात्र 6 रन दिए गए हैं, एक सफलता भी हासिल की गई है। फुल टॉस गेंद, लेकिन विकेट कीपर से मिस हुई गेंद, बाउंड्री की तरफ जाती हुई, रोकना मुश्किल, दे रहा है दुरुस्त है, वाइड प्लस 4, 5 रन। यार जब मैं बोल रहा हूं तभी नजर लग रही है। 63, कोई बहुत बड़ा स्कोर, बहुत बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा इस ओवर में, लेकिन ये बाउंड्री बाइज के रूप में बहुत दुख देने वाली है जब उतरेगी लेक्सी बॉयज की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए। फुल टॉस गेंद, हाथ से गेंद छूटी थी, नो बॉल का इशारा। नो बॉल, शॉट अच्छा है और अच्छी फील्डिंग। कितना स्कोर हुआ एक बार हमारे स्कोर दोनों टैली कर लो जल्दी। कितना हुआ भाई, आप बोलो।
64 हुआ है 65 टू विन। नहीं 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 हाँ अभी रन तो देखने दो कितना आया अभी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए स्कोर के लिए। अंपायर आखिरी गेंद पे कितने रन थे? एक भी नहीं। अंपायर को पूछो भाई अंपायर को। अरे अंपायर है ना अंपायर। सिक्स सिक्स टू विन।
जूना बॉल ले ले, जूना बॉल दे दे, वो जूना इधर दे दो। अरे ऑटो कोण 12th मैन नाही मिला, नाव सांगायला इकडे किडीकडे नाव लागतात इकडे। 12th मैन आ जाए, किसी भी टीम के स्कोर में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी अगर 12th मैन नहीं आते हैं। दोनों टीम के 12th मैन बैठ जाए सर, आपसे रिक्वेस्ट है। टीम के जिस टीम के 12th मैन नहीं होंगे उसका कोई भी क्लेम नहीं सुना जाएगा, प्लीज आप सभी लोग कोऑपरेट करें। बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद जो स्कोर अंपायर्स के सहमति से फाइनल हुआ वो है 65-67। अभी लक्ष्य कितना है एक बार बता दो, फाइनल टारगेट इज 67 इज द टारगेट, 67 इज द टारगेट। चलो मुकाबले की करते हैं शुरुआत। अंत भला तो सब भला, मिच्छामी दुकड़म, लेक्सी बॉयज, 67 का लक्ष्य। दोनों टीमों से अतिरिक्त खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स में रहे। लेक्सी बॉयज एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। अरे उसको पता नहीं ना, बॉलर बॉलर है, कौन है बॉलर, विशाल। अगली गेंद, ये गेंद अच्छी है, समय लगभग 12 बजने को 7 मिनट कम, 8 से 9 मिनट कम। 3 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। क्या कर रहे हो इधर, नाम कोई नाम बताने वाला चाहिए ना इधर, उन लोगों का नाम ही नहीं मालूम है। चलिए थोड़ा सा समय दीजिए, करेक्शन कर लेते हैं। 7 बने, चार गेंदे 7। थोड़ा सा अगर आपके एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे तो स्कोरर को सहयोग होगा, मिस्टेक्स नहीं होंगे। उन्हें हर गेंद के पहले 4 बार तो नाम पूछना पड़ रहा है और उस दरमियान गेंद हो भी रही है तो ध्यान नहीं दे पाएंगे वो, और फिर बिल फटेगा स्कोरर के नाम। 1 बाउंस ओवर द रोप, माधुरी ज्वेलर्स चौका। अब पहले ओवर के अंत में रन संख्या 11, बिना किसी नुकसान के टीम लेक्सी बॉयज। स्कोर 11, बिना किसी नुकसान के लेक्सी बॉयज 11 रन। अब मच्छर बढ़ पंकज,
18 गेंदे 56 जरूरी, प्रति ओवर लगभग 19 जरूरी, हर गेंद पर प्रहार जरूरी। अक्षित टुपंग पंकज थोड़ा सा समय लिया, पंकज ने अपने आप को सेट किया, इनकी पारी निर्णायक हमेशा रहती है उनके संग लेक्सी बॉयज के लिए। अगली गेंद इसे ऑफ स्टंप के बाहर रखा, ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, वहां पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण की जरूरत वैसे ही नजर आया। दो मिले तीसरे का प्रयास और फिसल गए। अब वहां से वापसी क्या बात है, चलो मोनिश भाई ने जीवन दान दिया। अब ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकते, इतने उदार मन के तो मोनिश भाई है नहीं, इसके पीछे जरूर कोई रणनीति है। इतना बड़ा दिल, चलिए 13 बने हैं बिना किसी नुकसान के। अब 3 बने, मजबूर कर दिया कि आउट करना ही पड़ा। कब तक आउट नहीं करेंगे, हम भागते रहेंगे। रन संख्या एक बार चेक कर लेते हैं कितने हुए हैं। 3 रन हुए हैं यहां पर, यानी अब कुल मिलाकर रन संख्या 16। संभाले, देखिए बहुत ज्यादा क्रिकेट आज खेली है हमने, सुबह लगभग 8 बजे से, 8 बजे के पहले भी मनोज भाई खिलाड़ी यहाँ पर आए थे, सपोर्ट स्टाफ आए थे, इतनी आज का इतना दिन लंबा रहा है सबके लिए। 17 रन बने हैं, 17 बन गए हैं, 1.3 ओवर का खेल हुआ। किशोर जी मुझे लगता है 2-3 घंटे और बीत जाए तो 24 घंटे हो जाएंगे। जी हाँ, 15 गेंदे 50 जरूरी, 3 गेंदे अभिशेष, खाली ऑन स्ट्राइक, ड्राइव कर दिया कवर्स के क्षेत्र में। चौदह गेंदे 50 जरूरी, जिस कश्मकश में अखिलेश भाई आखिरी मैच में फंसे थे उसी कश्मकश में इस समय भावेश भाई, सिर्फ एक मात्र एक, 18 बने, 1 विकेट का पतन, 13 गेंदे 49 जरूरी, प्रति ओवर 22 से 23 रन जरूरी। बिल्कुल, और बड़ा शॉट अगर नहीं आएगा इस गेंद पे तो मैच फंस जाएगा। बिल्कुल लेक्सी बॉयज की पकड़ से मैच निकलता हुआ चला जाएगा जोबीएल जेंट्स की तरफ। बड़ी शॉक आना जरूरी, और पंकज भाई उस प्रतिभा के खिलाड़ी हैं, तेज रन ये भी बटोरते हैं। जी हाँ, इस अंदाज में, क्या गेंद गैप में है, हर्ष उसके पीछे, दीप ने गेंद को रोका और 2 रन बने। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 20, 67 रनों का पीछा करते हुए, यानी 12 गेंदे 47 जरूरी, 12 बॉल 47, 12 बॉल 47, 12 पे 47। किशोर जी बहुत बड़ा लक्ष्य अभी भी है, 12 पे 47 यानी कि एक ओवर 24 का, दूसरा 23 का, तभी कुछ होने वाला है। हर्ष पुनमिया, और हर्ष आज के दिन में बहुत बढ़िया फॉर्म में, लय में नजर आए हैं, डेप्थ ओवर में उन्होंने गेंदबाजी की है,
मैं ताज्जुब में हूँ कि आज इन्होंने थर्ड ओवर कैसे ले ली। हमेशा वो आखिरी ओवर निभाते हैं, शायद इस ओवर को और ज़्यादा है ना टाइट करके आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन वो रखना चाहते हैं, ये रणनीति हो सकते हैं। 12 गेंदे 47 ज़रूरी, कम से कम हर्ष रन देना चाहेंगे इस ओवर में, खर्च करना चाहेंगे स्ट्राइक पर खाली। भावेश भाई वाओ, सिक्सर, ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मीडिया केयर वर्ल्ड, सिक्सर। ग्यारह गेंदे 41 जरूरी, 11 बॉल 41 नीडेड। देखिए पहले ही गेंद पर भावेश भाई ने दबाव डाल दिया है। अगर आपको स्ट्रोक हिट करने हैं गेंदबाज के पहले और दूसरे गेंद पर हिट कर दीजिए, आने वाली 4 से 5 गेंदों में वो दबाव में रह सकता है। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेल लिया, दबाव में है गेंदबाज। अगली गेंद, एक और छोटी गेंद और नतीजा वही, ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मीडिया केयर वर्ल्ड, सिक्सर। अब देखिए रिवर्स कैलकुलेशन पे सबकी नजरें, 10 गेंदे 35, और जब नॉन स्ट्राइक एंड पर पंकज को आप देखते हैं, स्ट्राइक पर खली को देखते हैं, तो अभी संभव। आज के दिन में जिन्होंने डेप्थ ओवर में सबसे कारगर गेंदबाजी की है, वो भी डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट हर्ष, बहुत ज्यादा दबाव में। 10 गेंदे 35 जरूरी, दस गेंदे 35। हौसला अपने खिलाड़ियों का बढ़ाना जरूरी। लेक्सी बॉयज, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। 3 गेंदे 3 सिक्सर, 38 बने, 1 विकेट का पतन हुआ। 9 गेंदे 29 जरूरी, अगली गेंद, 3 गेंदे 3 सिक्सर आए हैं, 9 गेंदे 29 जरूरी। क्या एक और है, एक और है, ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मेडिकेयर वर्ल्ड, वर्ल्ड पे वर्ल्ड सिक्सर। 6 6 6 6, 8 गेंदे 23 जरूरी, 8 गेंदे। क्यों मोनीश भाई इतने उदार हो गए थे, क्यों बल्लेबाजों को वो आउट नहीं करना चाहते थे, ये है उसके पीछे का कारण। वो नहीं चाहते थे बाहुबली मूवी देखना। 44 for 1। अगली गेंद, फुल टॉस, सिक्सर, ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मीडिया केयर वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऊपर वर्ल्ड, उसके वर्ल्ड के ऊपर भी वर्ल्ड, 5 सिक्सर लगातार, 5 सिक्सर। खल बली, खाली वली, बोरी वली, डोंबी वली, बाहुबली, भावेश भाई, आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पर सिंगल और
आखिरी ओवर में कितना अनाउंस करने से पहले हम भी थोड़ा सा एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। 51 बने हैं एक विकेट के पतन पर तीन ओवर के समाप्ति के बाद, 6 में 16। एक बार तालियां बजानी चाहिए भावेश के लिए सब साइड से। एक बार नहीं, मेरे हिसाब से तो बार बार बजनी चाहिए, बार बार बजना जरूरी। इस प्रकार का अद्भुत खेल हमने नहीं देखा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, जोरदार। 31 बने हैं उस ओवर में। हर्ष, मैंने जैसे कहा भी था, जिक्र भी किया था, अब तक के सबसे बेहतर गेंदबाज हैं डेप्थ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर उन्होंने लिया, रिस्क लिया, अगली गेंद डीप, फुल टॉस, ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मेडिकेयर वर्ल्ड, किशोर भाई 5 balls 10 needed, सिक्सर। किशोर भाई जी, आईपीएल में रिंकू सिंह ने मारा था, एसबीजेपीएल में भावेश ने मारा है। जबरदस्त बल्लेबाजी किशोर जी, बहुत बहुत कमाल की मनोज भाई। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है किशोर जी, रन बनाने पड़ेंगे 2 रन, अभी भी 4 पे 8 चाहिए। भावेश को अगर अपनी टीम को जिताना है तो उन्हें मैच की तरफ जैसे वो बढ़ रहे हैं वैसे बढ़े, लेकिन अंत तक खेले। और अगर लेक्सी बॉयज के सामने जोवेल जेंस वापसी करना चाहती है तो कुछ गेंदें डॉट करनी पड़ेगी। यह विपुल टॉस गेंद है, यहां पर भी शॉट अच्छा है, रन नहीं लिया। अभी भी मैच है, अभी भी जोवेल जेंस भी मैच ना छोड़े, क्योंकि मैच दोनों तरफ अभी जा सकता है। 3 गेंदें 8 मनोज जी, हाँ 3 पे 8। हालांकि वहां पे खली खड़े हैं, वो एक गेंद पे कमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 पे 8 ये गेंद बहुत निर्णायक है किशोर जी दोनों टीमों के लिए। फुल टॉस, जंगली बल्लेबाजी, राउडी बल्लेबाजी, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी, बैनर फाड़ बल्लेबाजी, ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मेडिकेयर वर्ल्ड, सिक्सर। बाप रे बाप, कितना है आवेश, प्लस माइनस दोनों मिल गया है यहाँ पर। जबरदस्त आवेश बल्लेबाज भावेश, 2 गेंदें 2 रन जरूरी, 2 पे 2 क्या, दो रन दो क्या, मत दो रन, मत दो, 2 पे 2 सिंगल मिला। किशोर जी दूसरे रन का प्रयास करते हुए यहां लौटना होगा, स्कोर आ लेवल नाउ। ये कंपल्सरी चेस है, एक बार बता दीजिए, सेमीफाइनल में भी वही नियम है ना। एक पे एक कौन काटेगा केक, देख भाई देख, एक पे चाहिए एक। मनोज जी अब थोड़ा सा 20 मिनट पीछे चले जाइए, वो एक एक रन के लिए जूझना, अब वो एक रन कितना निर्णायक साबित होता है अब हमें समझ में आता हुआ। 67 रनों का लक्ष्य है, 66 बन चुके हैं, एक गेंद में एक जरूरी है, इसलिए क्रिकेट में एक रन का जो महत्व है बहुत ज्यादा। एक रन का महत्व बहुत ज्यादा है। अब देखने वाली बात है भावेश, यहाँ पे कहीं ड्यूअल माइंड ना हो, कहीं ये मैच बहुत निर्णायक मोड़ पे। एक बार दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां, इससे शानदार मुकाबला और क्या हो सकता है। मनीष भाई क्या बताते हुए, कंपल्सरी चेस है, सुपर ओवर है ना। मनीष भाई ने दोनों टीमों के लिए संजीवनी ला करके दे दिया, हनुमान जी का काम कोई किया तो मनीष भाई ने किया। धौलागिरी पर्वत पे चले गए,
संजीवनी बोटी लाए, पिला दिया दोनों टीमों को। दोनों टीमें जीत का प्रयास करें, ना कि इस मुकाबले को टाई करने का। ये हम भी प्रयास कर रहे हैं, कोई जीते लेकिन जीते। सुपर ओवर मतलब बहुत खतरनाक। रतन भाई देखिए नीचे मैच का लुत्फ उठाते हुए, रतन भाई आग लगा देंगे, लगा देंगे, लगने वाली है। अच्छा सब लोग बताइए, प्रेडिक्शन करिए क्या होने वाला है। जितने लोग कह रहे हैं सिक्स, वो लोग हल्ला मचाए, शोर मचाए। सिक्स वाले, जितने लोगों को लग रहा है सिंगल आएगा वो तालियां बजाएं, जितने लोगों को लग रहा है डॉट गेंद होगी वो तालियां बजाएं। अब तो जोवियल जेंट्स भी नहीं बजा रही है तालियां। ओ क्या शानदार बल्लेबाजी, 50 50 पूरा हुआ। और इस प्रतियोगिता का सबसे सबसे फास्टेस्ट 50 बनाया भावेश भाई ने, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत कमाल की इनिंग, 14 गेंद पे 53 रन। थोड़ा फील इस टीम के लिए बहुत होता है, क्योंकि जोवियल जेंट्स एक ऐसी टीम, एक ऐसे सितारों की टीम जिन्होंने मैदान पर बहुत जुझारू खेल का प्रदर्शन किया। पूरे दिन हमेशा मैदान में रणनीति इन्होंने बनाई, बहुत कमाल का इनका क्रिकेट हमने देखा। अंतिम दो ओवर्स शायद इस पूरे दिन में ऐसे रहे, वो 10 मिनट इनके पक्ष में नहीं रहे जब भावेश भाई स्ट्राइक पर थे, वो 10 मिनट्स। मैं तो सोच रहा था कि सचिन की तरह इन्हें कंधे पर कोई उठाएगा, लेकिन कोई कंधा इतना मजबूत दिखा नहीं, इसलिए कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। फाइनल का टॉस या फाइनल का क्या है कुछ, मनीष भाई तुरंत शुरू किया जाए फाइनल की तैयारी। देखिए क्रिकेट भी कभी कभी बहुत क्रूयल भी होता है। भावेश भाई को देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं। और वहां पर अगर हर्ष के बारे में सोचे, जो सबसे निपुण गेंदबाज थे, उनके खिलाफ ये रन बनाए गए, तो किसी के लिए ये खेल आसमान पर छू जाता है, किसी को बहुत हर्ट करता है, लेकिन गले मिलना जरूरी। भावेश भाई, इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, बिल्कुल इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। भावेश भाई को बहुत बहुत शुभकामना फाइनल के लिए। और ऐसी इनिंग मनोज जी जीवन के भी सर्वश्रेष्ठ इनिंग्स बन सकती है, जीवन की भी सर्वश्रेष्ठ इनिंग बन सकती है। लेकिन हर्ष जैसे गेंदबाज को तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। करेक्ट, क्यों? क्योंकि अभी आप युवा हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीख